बड़ी खबर ब्रेक न्यूज सामने लेकर आ चुकी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि देश में कोरोना की तेज हुई रफ्तार, 24 घंटों में 1,94,000 से ज्यादा नए मरीज, लग सकता है दोबारा लॉकडाउन। जानिए पूरी जानकारी। तो दोस्तों पूरी जानकारी वीडियो में बताएं कि देश में दोबारा लॉकडाउन लगेगा या फिर नहीं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वो देखा आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदू को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कमेंट लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बेहद तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। बुधवार को सुबह तक पिछले 24 घंटों में 1,94,720 से ज़्यादा नए मरीज मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 60,405 है। इस महामारी से 442 लोगों की मौत हो गई है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या कुल 3,46,30,536 है। इस दौरान कोरोना से रिकवरी रेट घटकर 96.1% हो गया है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9,55,319 हो गई है। रोजाना संक्रमण दर 11.5% हो गया है। ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 17,61,000 टेस्ट किए गए हैं। अब तक कुल 69,52,00,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के 4,868 मामलों की पुष्टि। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज हो गई है। तीसरे नंबर पर दिल्ली है जहां अब तक 546 मामले आ चुके हैं। चौथे नंबर पर कर्नाटक है जहां 489 और पाँचवें नंबर पर केरल जहां 350 मामले सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और रोजाना ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदू को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बेल आइकन को दबा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अति शुभ हो।